क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूं काजल, मैं हूं दीपक। तो आज की जो ये वीडियो है हु वाज एट पास चार्ली एंड अनसंग हीरो ऑफ पाकिस्तान। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है वीडियो के अंदर, क्या हुआ है रिएक्शन। करें स्टार्ट। बिल्कुल, डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। अभी नेटफ्लिक्स की कॉपी। Assalamualaikum friends and welcome to अबाबी। दोस्तों ये किसी आठवीं पास की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे लेजेंड पाकिस्तानी बम्बार पायलट की दास्तान है जो एक हीरो तो बना लेकिन आज तक कम ही लोग इसका नाम जान सके, और ये हीरो तारीख में गुमनामी में ही दफन हो गया। पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बम्बार त्यारों ने रात के अंधेरे में भारतीय अड्डों पर हल्ला बोल दिया। बम्बार त्यारे आम तौर पर बहुत भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और त्यारों से बचने को ज्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए उनके हमले रात के अंधेरे में होते हैं और ये त्यारे जमीन के पास पास रेडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं, और हदफ पर पहुंचकर यकदम त्यारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करते हैं और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले उसकी तोपों की रेंज से बाहर हो चुके होते हैं। पाकिस्तानी B-57 त्यारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे, लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं होता था कि सारे बम निशाने पर गिरें। अक्सर ऐसा होता था कि 2 बम एक ही टारगेट पर जा गिरते जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी, लेकिन ये हमला करने का इंतहाई महफूज तरीका था। लेकिन भारतीयों की हैरत के इंतहा ना रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयरबेस पर एक अकेले B-57 त्यारे ने हमला किया, लेकिन ये त्यारा और उसका पायलट कोई आम पायलट नहीं था। त्यारा पहले होते में आया और सिर्फ एक बम गिरा कर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिर सके, लेकिन वो हैरान रह गए जब बम्बार त्यारा दोबारा घूम कर वापस आया, उसने फिर गोता लगाया और एक और बम ताक कर एक और निशाने पर गिरा कर आगे निकल गया। इस दौरान भारतीय त्यारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बुन दिया था, लेकिन बम्बार त्यारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही उसे अपनी जान का कोई खौफ था। वो फिर वापस आया, एक बम एक और निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। यूं इस बम्बार त्यारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर फिक्र के साथ ताक कर निशाने पर फेंका। इस तरह इसने अपनी जान को खतरे में जरूर डाला था, लेकिन उसके 8 बम 8 इंतहाई अहम हदफ तबाह कर चुके थे। यूं इसकी एक्यूरेसी 100% रही थी। इस हमले के बाद भारतीयों की जानिब से इस बम्बार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले बम के साथ ही वो भारतीयों को खुला चैलेंज देता कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं, तुमसे जो होता है करके देख लो। और ये इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी किसी त्यारा शिकन गन की गोली उसे छू भी नहीं पाई। दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा काम किया करता था। अंधेरी रात में त्यारा तो दिखाई देता नहीं था, तो दुश्मन के तोपची त्यारे की आवाज सुनकर अंदाजा लगाते थे कि त्यारा किस जानिब से आ रहा है। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने त्यारे का इंजन बंद कर देता। अगरचा इसकी वजह से त्यारा संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन भारतीय तोपचियों को त्यारे का पता उस वक्त चलता जब वो बम गिरा चुका होता, और उसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकने में ही उनकी रेंज से बाहर निकल चुका होता था। एक भारतीय पायलट पैडी रिल के 8 पास चार्ली के बारे में अल्फाज ये हैं, मैं उस पाकिस्तानी बम्बार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूँ जिसे हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक ऐसा लेजेंड था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुंच जाता, एन उस वक्त जब हम अपना पहला जाम खत्म कर रहे होते थे। वो एक ऊंचे तरीन दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था
अपने हमले की सीमत छुपाने के लिए वो गोता लगाने से पहले इंजन बंद कर देता और जब तक तोपची फायर खोलते वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता था और बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर पर करके गोलियों की रेंज से बाहर निकल जाता। दोस्तों, अपने दुश्मन की जानिब से एट पास चार्ली का नाम पाने वाले ये पायलट स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान थे। भारत को आज भी जरूर याद है कि कोई था जिसे दुश्मन का सुकून बर्बाद करने में अजीब सा मजा आता था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। कई लोग तो बिल्कुल किस्मत लेके आते हैं अपनी, है ना, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी वो वापस आ जाते हैं, किस्मत ही होती है। ये बहुत बड़ी बात और एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात। और बाकी आप बताओ आपको कैसी वीडियो लगी, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना, ठीक है।